नमस्ते, मैं निरंजना जोशी नीरास क्विजिन का फूड स्टूडियो से कैरी गाओ। एकदम स्वीट एंड क्यूट गेट टुगेदर का ये फॉर्मेट है। गुजराती फैमिली में मई महीने से लेके जुलाई मीडिया एंड तक ये कैरी गाला की जो सिस्टम है बहुत फेमस एंड पॉपुलर है और एकदम स्वीट भी है। पता है पहले ऐसा था कि जैसे रेस्टोरेंट में जाने का, पार्टी करने का या मस्ती करने का ऐसा अभी का अंदाज जो है वो पहले नहीं था। पहले फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पहचान वाले ये सीजन में मिलते थे और घर के लेडीज आम के साथ जुड़ी ही बहुत सारी चीजें बनाती थी। जो गुजरातीज है वो आम रस नहीं खाते हैं, कैरी नो रस माने कैरी का पल्प खाते हैं और उनके साथ डिजाइन किया हुआ एक फॉर्मूला है। बेपड़ी रोटी, पूरी, पात्रा, सड़नी दाल, करेला की सब्जी, इडा, ये सब चीजें ऐसी है जो पूरी प्लेट सजा के एक पार्टी करने के लिए सब इकट्ठा होते थे और ये दिन का सब इंतजार करते थे। और एक सिस्टम भी थी, फ्रेंड्स को बुलाते थे, बहू बेटियों को बुलाते थे, भांजियों को या भांजे को बुलाते थे, चाचा चाची को बुलाते थे, मानी पूरी फैमिली सब मिल के सुबह से काम में लग जाते थे और दोपहर और शाम को मस्ती करके सब कुछ खाना खाते थे। तो चलिए कैरी गाला में आम का रस, नहीं, कैरी का रस कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। दोपड़ी रोटी और बाकी सभी चीजें हम लोग बनाएंगे और उसका प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसका प्लेटिंग। तो चलिए बनाते हैं दोपड़ी रोटी। दोनों को मैंने जोड़ दिया ऐसे। तो ये रोटी दो पड़ वाली बोल जाती है और आम के रस के साथ हमेशा एक उसका एक जुगलबंदी है, बोला जाता है कैरीनो रस और दो पड़ी रोटी। तो ये बन रहे हैं आज की हमारी गेट टुगेदर कैरी गाला के लिए पात्रा। आम का गुठली जो है या आम की गुठली जो है इसको छिलके को सबको ये छाछ के अंदर धोऊंगी। तो बनाते हैं गरम गरम पूरी। तो चलिए बनाते हैं चने की दाल और सूरन के समोसे। ये दोनों मिक्स नहीं हो गए, दोनों सेपरेट है। तो पहले मैं बनाती हूँ चना के दाल के समोसे। और सूरन के समोसे। तो चलिए बनाते हैं करेले की सब्जी। जो हमेशा आम रस की जो सीजन है तो आम रस की जो हम कैरी गाला करते हैं उसके साथ हमेशा सर्व होती है। तो तैयार है हमारी करेला काजू की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटिंग कैरी के रस के साथ। आ जाइए कैरी नो रस। जनरली राजापुरी कैरी का रस सबका फेवरेट होता है। आप हाफूस या केसर कैरी के साथ भी काम कर सकते हो। कैरी का रस खाने का अपना एक तरीका होता है। इसमें हम लोग हल्का सा नमक ऐड करते हैं, सौंठ पाउडर, जीरा पाउडर और हल्का सा पिघलाया हुआ घी। ये एक पहले से चली आई परंपरा है। ऐसे ये तरीके से हमारे सीनियर जो है आम का रस
या कैरी का रस या कैरी का पल्प खाते थे, अभी आप अपने तरीके से कैरी का रस एंजॉय कर सकते हो। कैरी के रस के साथ दो पड़ वाली रोटी, पूरी, खाजा, काजू करेला की सब्जी, सड़ंगी दाल। कैरी वाला का अपना एक रुतवा होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है और उसका एक अलग ही नशा है। चने की दाल के समोसे, और जनरली सुरती पीपल जब गेट टुगेदर करते हैं तब नॉनवेज समोसे भी बनाते हैं, और उस समय जो वेजिटेरियन मेहमान है उसके लिए लोग बनाते हैं सूरन के समोसे, पांतरा, इडड़ा, फजेतो। फजेतो बहुत फेमस एंड पॉपुलर रेसिपी है, और चावल। हमारी कैरी गालानी थाली है ना मजेदार, मानी सबको अपने चॉइस की यहाँ पे एक सिलेक्शन मिल जाएगा। और ऐसी परंपरागत जो चीजें हैं उसको सीजनल एंजॉय करनी चाहिए। अगर आप इसकी शुरुआत नहीं करोगे तो कौन करेगा। प्लीज परंपरा के साथ आगे बढ़िए, और जो चीजें पुराने जमाने से चली आ रही है उसको भी आप फॉलो कीजिए। नमस्ते।